नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आंतों की सूजन क्या है, आंतों के सूजन होने का कारण क्या है, और आंतों का सूजन अगर किसी को हो गया है तो कैसे पता करेगा कि उसे आंतों का सूजन है, यानी कि आंतों के सूजन के लक्षण क्या हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो वह घर पर कैसे उसे ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली सूजन है और बड़ी आंत को कोलन कहते हैं, यानी कोलन में होने वाली सूजन को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। होता क्या है कि जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस को लोग लाइटली ले लेते हैं, इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है यानी आंतों में सूजन है और वह उसे इग्नोर कर रहा है तो लंबे समय के बाद यह काफी खतरनाक हो जाता है। इसलिए इसे कभी भी लाइटली न लें, इसके प्रति सीरियस हो जाएं। बात कर लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का कारण क्या है। अभी तक इसका कोई निश्चित कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है हमारी जीवन शैली और हमारा रहन सहन। हमारा खान पान सही नहीं है तो इससे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना होती है, और कुछ केस में यह जेनेटिक भी होता है। अगर इसके लक्षणों की हम बात करें तो इसके लक्षणों में मुख्य रूप से है दस्त आना, दस्त के साथ खून या मवाद आना, पेट दर्द करना, पाचन संबंधी परेशानी होना, पेट में मरोड़ होना, बार बार शौच जाना, इसके अलावा गुदा से कभी कभी खून आना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है तो वह घर पर इसे कैसे ठीक कर सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को घर पर ठीक करने के बहुत सारे उपचार हैं, जिसमें से तीन मुख्य हैं, जिसमें पहला है एलोवेरा जेल का प्रयोग करना। एलोवेरा का एक नेचर है एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी, अगर कहीं हमारे बॉडी में सूजन है वह उसे ठीक कर देता है। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि अगर आपके घर में आप एलोवेरा का पौधा लगाए हैं तो आप उसके पत्ती को तोड़ लीजिए, उसके ऊपर के छिलके को हटाकर फिर एक चम्मच की सहायता से उसका जो गुदा है उसे निकाल लीजिए और उसे खा जाइए। तो इससे क्या होगा कि वो आपके कोलन में जो सूजन है उसे वो ठीक करेगा। इसके बाद जो दूसरा उपाय है वह है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें ये बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, तेजी से विकास करते हैं, और ये जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं ये हमारी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, उनमें है इडली, डोसा, दही, अचार, केला, सेब, लहसुन, प्याज, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने में मदद करते हैं। तीसरा चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से यह भी सूजन को कम करता है। एक दिन में अगर आप एक या दो कप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो यह भी आपको आंतों की सूजन में फायदा पहुंचाता है। फिर भी अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इन उपायों को इस्तेमाल करने से पहले बेहतर रहेगा कि एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि डॉक्टर को आपके रोग के बारे में बढ़िया से जानकारी होती है और आपका जो अल्सर है पेट का वो कितना ज्यादा है इसके बारे में भी उन्हें पता होता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो, थोड़ा भी जानकारी वाला लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।